हेलो स्टूडेंट मैं सेल्फ पूनम कुमावत और हम लोग देख रहे थे फ्लॉवरिंग प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लॉवरिंग प्लांट ठीक है तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वर्ड आता है स्टेमन ठीक है और अगर हम स्टेमन की बात कर रहे थे तो स्टेमन के अंदर हम स्ट्रक्चर देख रहे थे किसकी एंथर की ठीक है और एंथर के बाद हम लोगों ने देखी थी एंथर वॉल्स ठीक है और वॉल्स हमारे पास कितने टाइप की आई थी चार तरह की वॉल्स थी हमारे पास कौन कौन सी थी एपिडर्मिस वॉल थी जो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में उसके बाद में हमारे पास थी एंडोथीशियम ठीक है उसके बाद जो हमारे पास लेयर आ रही थी वो थी मिडल लेयर जिसमें खाना स्टोर होता है जो कि नंबर में भी ज्यादा होती है और लास्ट थी लेयर ठीक है तो ये चारों हम लोगों ने एंथर की वॉल के अंदर देखी थी आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कि एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है यानी कि एंथर का हमें क्या देखना है डेवलपमेंट डेवलपमेंट ठीक है तो ये क्वेश्चन <coughs> बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि डेवलपमेंट कैसा है तो अगर हम देखें इनिशियल स्टेज के अंदर तो हमें क्या दिखाई देता है एंथर जो होता है वो एक एक जस्ट आउट ग्रोथ होती है यानी कि इनिशियल स्टेज में हम बात कर रहे हैं इनिशियल स्टेज ठीक है तो इनिशियल स्टेज के अंदर हमें जो एंथर है वो एज ए आउटग्रोथ अपीयर होता है ठीक है या फिर आप बोल सकते हो स्पारिकल स्ट्रक्चर ठीक है या फिर शेप ठीक तो ये मान लीजिए इस तरीके से हमारे सामने एंथर अपीयर हो रहा है इस तरीके से स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल इनिशियल स्टेज में देखें तो हमें इस तरीके से एंथर देखने को मिलता है ठीक है तो ये जो रीजन है वो किसका है एंथर का ठीक है तो अब एंथर जो है वो आगे किस तरीके से डेवलप होता है कैसे मेच्योर होता है वो देखते हैं तो आप देखोगे इसके अंदर कि जो सबसे पहले हम लोग इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं एंथर की तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो स्टार्टिंग के अंदर सबसे आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है ये मान लीजिए एक स्पेरिकल अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो हमें सबसे पहले तो एक आउटर मोस्ट लेयर देखने को मिलती है इस तरीके से ठीक है और इस आउटर मोस्ट लेयर के अंदर कौन सी सेल्स रहती हैं इनके अंदर मास ऑफ मैरिस्टोमैटिक सेल्स प्रेजेंट है बहुत सारे अमाउंट के अंदर यहाँ पे कौन सी सेल्स प्रेजेंट है मैरस्टोमैटिक सेल्स ठीक है तो यहां पे मास ऑफ मैरिस्टोमैटिक सेल्स है ठीक है और जो किससे सराउंडेड है एपिडर्मिस से ठीक और मोस्ट जो लेयर हमें दिख रही है वो क्या है एपिडर्मिस ठीक है अब क्या है इसके जस्ट बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके अंदर बीच में कुछ टिशूज जनरेट होना स्टार्ट होते हैं इनिशियली सबसे पहले आप देखो क्या देखोगे टिश्यू ठीक है और मिडल रीजन में यानी कि वॉस्क्यूलर टिश्यूज आर फॉर्म्ड एट मिडल रीजन ठीक है तो एक्चुअली हम एंथर की स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो एंथर के स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है कि भाई स्टार्टिंग में जब एक प्लांट के अंदर एंथर बन रहा होता है तब की बात है कि एक मैरास्टमेटिक सेल का जो ग्रुप है उसको चारों तरफ से एपिडर्मल सेल्स ने क्या करके घेरे है? हुए हैं उसके बाद हम देखें नेक्स्ट डायग्राम में तो हमें क्या देखने को मिलता है क्या होता है कि जो आ, ये हम बना रहे हैं वापस से एपिडर्मल लेयर जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ठीक है क्योंकि ये डेवलपमेंट जो प्रोसेस है ना बच्चों ये समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमें इससे ये पता चलेगा भी एंथर डिवेलप कैसे होता है ठीक है उसके बाद में आप देखोगे कि इनमें से कुछ सेल्स जो होती हैं वो चेंज होती हैं एंड वो डेवलप होती हैं किस तरीके से जो एंथर है इसकी चारों कोनों पे हमें इस तरीके से कुछ सेल्स मैरेस्टमेटिक सेल जो होती है वो अपना शेप और साइज़ दोनों चेंज करती हैं और इन तरह की सेल्स को हम क्या बोलेंगे आर्किस्पोरेंजियल सेल्स ठीक है और बीच में हमारे पास कौन से हैं यहाँ पे वास्कुलर टिश्यूज दिख रहे हैं और यहाँ पे बाकी की जो सेल्स हैं वो कौन सी है वो मेरेस्टमैटिक सेल्स हैं ठीक है तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या देखने को मिलता है आफ्टर वास्कुलर टिश्यूज एंथर के जो चारों कोने हैं उन कोनों के अंदर कुछ मैरसिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है वो कन्वर्टेड हो जाती है चेंज हो जाती है और अपना जो साइज़ और स्ट्रक्चर दोनों चेंज कर लेती हैं ठीक है थीके? तो जो ये सेल्स अब बनी हैं इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं ये होते हैं आर की स्पोरियल सेल ठीक है तो ये सेल्स कौन सी से होती है आर्किस्पोरियल सेल्स अगर नंबर देखो तो इनका स्टार्टिंग में कितना बनता है चार कोर्ण पे आर्किस्पोरियल सेल्स जनरेट होती है अब जो ये आर्किस्पोरियल सेल्स होती है ये क्या करती है ये सेल्स में क्या होता है डिवीजन होता है ठीक है और कैसा डिवीजन होता है सेल्स जो डिवाइड करती हैं वो करती हैं पेरिक्लिनिकल आपको पता होगा दो तरीके के डिवीजन होते हैं एक होता है एंटीक्लिनल और एक होता है पैरिक्लिनल अगर हम देखें तो एक बार ये मान लीजिए हमारे पास सेल है और इस तरीके से और इसके अंदर जब पैरिक्लिनल डिवीज़न होता है तो इस तरीके से दो एक ऊपर की तरफ सेल नई जनरेट होती है और एक नई सेल नीचे की तरफ ठीक है तो इस तरीके का जो डिवीज़न होता है ना इसको हम क्या बोलते हैं पेरिक्लिनल डिवीज़न होती है जिसके अंदर एक अपर साइड में सेल बनती है और जो डॉटर सेल दूसरी बनती है वो लोअर साइड में बनती है ठीक है तो इस तरीके से ये डिवीजन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं पैरिक्लिनल डिवीजन ठीक है तो जब आर्किस्पोर सेल जो है वो डिवाइड करती है तो अपर साइड में जो ऊपर की तरफ सेल्स बनती है इनको हम किस नाम से जानते हैं यानी कि जो ये ऊपर की साइड में सेल बने हैं इसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल और जो नीचे की साइड में जो सेल बनी है इनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स ठीक है तो इस तरीके से दो सेल्स बन चुके हैं हमारे सामने एक तो प्राइमरी पेराइटल सेल और एक कौन सी बनी है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स ठीक है अब आगे की कहानी देखते हैं किस तरीके से होगी अब क्या होगा जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये वाली ठीक तो है तो प्राइमरी पैराइटल सेल्स कंटिन्यूसली डिवीजन करती हैं ठीक है तो ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स हैं ये लगातार डिवीजन करेंगी ठीक है मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से ये सेल्स हैं और लगातार डिवाइड होती रहती हैं इस तरीके से और ये जो सेल्स होती हैं वो दोनों तरीके से डिवीजन करेंगी एंटीक्लिनर भी करेंगी और पेरी भी करेंगी ठीक है तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स क्या होने लग जाएंगी फॉर्म होने लग जाएंगी सेल्स की ठीक है तो इस तरीके से आप मल्टीपल लेयर्स आपको देखने को मिलती है ठीक है तो इस तरीके से हमारे सामने ये जो सेल्स बनी है वो किसके डिवीजन से बनी है प्राइमरी पेराइटल सेल्स ठीक है यानी कि प्राइमरी पेराइटल सेल्स होती हैं वो आगे फर्दर यानी कि फर्दर पेरिक्लीनल डिवीज़न करती है और एंटीक्लिनल डिवीज़न करती है एंटीक्लिनल ठीक है पेरिक्लिनल के अंदर तो जो सेल्स बढ़ती हैं वो वर्टिकल सेक्शन में बढ़ती है और एंटीक्लिनल के अंदर हॉरीजोंटल जो सेल्स होते हैं बढ़ती है यानी कि अगर हम पेरिक्लिनल की डिवीजन की बात करें तो सेल्स इस तरीके से बनती है जबकि हॉरिजोंटल की अगर हम बात करेंगे तो मान लो ये सेल है तो वो इस तरीके से, से बढ़ती है ये होता है एंटीक्लिनल और ये इस तरीके से ट्रांसवर्स सेक्शन में जा रहा है हॉरीजोंटली जा रहा है तो क्या कहलाएगा हमारा पैरिक्लर और जो वर्टिकल जा रहा है तो वो क्या होगा हमारा एंटीक्लेनर डिवीजन ठीक है तो इस तरीके से एंटीक्लेनर और पैरिक्लेनर डिवीजन करती है जिससे कई सारी सेल्स क्या हैं लगातार बनती रहती हैं ठीक है थीके? इस तरीके से अलग अलग सेल्स क्या हो रही है बन रही है बहुत सारी ठीक है तो अब इसके ऊपर पहले वाली सेल्स तो पड़ी है ये तो अभी भी है कौन कौन ये वाली कौन सी लेयर थी अगर आप देखो तो ये वाली जो सेल्स लेयर थी वो तो कौन सी थी एपिडर्मिस थी उसके बाद जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स है वो कंटिन्यूसली पैरिक्लिनल uh, और एंटीकल डिविजन करती है तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारी सेल्स की लेयर्स बन चुकी है ठीक है तो इनमें से कौन कौन सी सेल्स हमें लेयर देखने को मिलती है तो ये उसके एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर होती है वो कौन सी होती है एंडो थीसीम लेयर, फिर ये बहुत सारे नंबर में अगर आप देखोगे तो ये जो लेयर होंगी वो कौन सी होगी मिडल लेयर ठीक है और उसके बाद जो लेयर देखने को मिल रही है वो हमारी कौन सी लेयर होती है टम लेयर तो अगर आप देखो एपिडर्मिस मिडल लेयर और टैपेटम इन तीनों लेयर्स का अगर ओरिजिन अगर आपसे पूछा जाए तो इन तीनों का ओरिजिन किससे होता है पैराइटल प्राइमरी पैराइटल दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो प्राइमरी पेराइटल सेल है वो फर्दर पेरी क्लीनर और एंटी क्लिन क्लीनर करके लगभग कितनी थ्री टू फाइव लेयर्स फॉर्म करती है और ये जो लेयर्स होती है कौन कौन सी होती है एंडोथीशियम मिडल लेयर और टेपेटम लेयर तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से नीट का कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इन चारों लेयर्स को देखें ठीक है इन चारों लेयर्स को देखें क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी लेयर है जिसका ओरिजिन प्राइमरी पेराइटल सेल से नहीं होता तो देखो एंडोथीशियम मिडल लेयर और टैपेटम इन तीनों का ओरिजिन किससे हो रहा है इन तीनों का ओरिजिन हो रहा है प्राइमरी प्राइटल सेल से लेकिन एपिडर्मिस जो है अगर आप देखोगे तो एपिडर्मिस स्टार्टिंग से ही बनी हुई आ रही है तो जो एपिडर्मिस है इसका जो ओरिजन है वो अलग होता है बाकी की तीनों लेयर्स का जो ओरिजन रहेगा वो अलग रहेगा अगर डायग्राम देखें तो इस तरीके से फॉर्म होगा हमारे सामने तो आप देखोगे कि इस तरीके से एपिडर्मिल सेल है यानी कि इस तरीके से एंथर बनना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो आप इन लेयर्स को इस तरीके से देखोगे, तो ये तो होगी लेयर, ठीक है और एपिडर्मस लेयर के जस्ट नीचे हमें कौन सी लेयर देखने को मिल रही है? ये होगी हमारी एंडोथीशियम लेयर, ठीक है और एंडोथीशियम के बाद में ये होगी मिडल लेयर जिनका नंबर क्या रहता है ज़्यादा रहता है तो मैं थोड़ा सा थिक करके आपको शो कर रही हूँ तो ये जो लेयर होगी हमारी वो कौन सी होगी मिडल लेयर जो अभी ड्रॉ की जा रही है ये लेयर होगी हमारी मिडल लेयर ठीक है और फिर बन रही है हमारी टैपेटम लेयर और ये है हमारे पास टैपिटम लेयर ठीक है तो इन तीनों को मैं एक ही कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ दैट मीन इन तीनों का जो ऑरिजन है वो एक ही जगह से हुआ है लेकिन टैपेटम जो होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है क्योंकि इसमें मोर देन वन न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं ठीक है और टैपेटम के फंक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर बहुत अच्छे से किए थे तो अगर हम लेबलिंग करें तो सबसे आउटर मोस्ट तो कौन सी होगी अब हमारे पास एपिडर्मिस ठीक है उसके जस्ट नीचे हमारे पास कौन सी आती है योगी, एंडो थीशियम और देन आ, मिडल लेयर ठीक है और इसके बाद ये कौन सी है टैपेटम ठीक है तो इन तीनों लेयर का जो ओरिजन रहता है ओरिजन की बात करें तो आंसर कौन सा आएगा प्राइमरी पेराइटल सेल्स ठीक है तो प्राइमरी जो पैराइटल सेल्स है वो इस तरीके से डिवाइड होती है और अलग अलग सेल्स बना देती हैं ठीक है ठीके? तो इस तरीके से और मिडल में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं इस जगह पे ये हो गया हमारे वॉस्क्यूलर टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं ठीक है लेकिन अगर आपको पता है दो तरह की सेल बनी थी ये तो हमारी थी प्राइमरी पैराइटल और स्पोरोजीनस सेल मैं ऐसे करके अपेयर कर रही हूँ ये जो सेल है ये हमारी कौन सी बन रही है ये दूसरी जो नीचे की साइड में थी लोअर साइड में थी इसको हम क्या किस नाम से जान रहे थे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स ठीक है तो अब प्राइमरी जो पेराइटल सेल है इनको तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया अच्छे से ठीक है तो इनको तो हम लोगों ने अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर दिया लेकिन अब देखते हैं कि जो सेकेंड सेल थी हमारी उसका क्या होगा यानी कि जो लोअर साइड में सेल्स बनती है उनका क्या होगा तो जो ये लोअर साइड में सेल बनती है ये किस तरीके से डिफ्रेंशियट होती है लोअर साइड वाली वो देखते हैं तो अगर आप यहाँ देखोगे लोअर साइड की जो सेल्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स ठीक है तो यहाँ पे जो ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है वो आगे डिवीजन करती है ठीक है इस तरीके से ये होगी वो हमारी सेल कौन सी स्पोरोजीनस सेल्स ठीक है और ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स जो है वो आगे माइटोटिकली डिवीजन करके क्या बना देती हैं पोलिन का फॉर्मेशन कर देती है इस तरीके से और इसके अंदर बहुत सारी क्या प्रेजेंट होती हैं मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं ठीक है थीके? और बाकी के सेल्स क्या रहेंगे हमारे मेरेस्टमैटिक सेल्स रहते हैं ठीक है तो बाकी के जो सेल्स हो गए ये मेरेस्टमैटिक सेल्स हो गए ठीक है तो बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पे टिश्यूज आ रहे हैं यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो ये जो टिश्यूज हैं हमारे सामने ये ये वाले टिश्यूज कौन से हैं ये टिश्यू हैं प्राइमरी स्पोरोस सेल्स ये कौन से हैं प्राइमरी, प्राइमरी स्पोरोजीनस <स्पोरोगीनस> सेल्स ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स होते हैं वो आगे माइटोटिक डिवीजन करती है कौन सी डिवीजन करेंगी माइटोटिक डिवीजन करेंगी ठीक है और माइटोटिक डिवीजन करके वो किसका फॉर्मेशन करती है फॉर्म करेगी ये स्पोरोजीनस सेल्स का स्पोरोजीनस सेल्स दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और अब ये जो स्पोरोजीनस सेल्स होती हैं इनको आप एक और नाम से भी जान सकते हो क्या स्पोरोस टिश्यू ठीक है तो ये जो स्पोरोजीनस टिश्यूज होते हैं जो कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से ही आगे डिवाइड करके बनते हैं ये जो टिश्यूज हैं बाद में किस में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं लेटर डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंश इन टू किस में आगे ये डिफ्रेंशिएट होके क्या बनाते हैं माइक्रोपोर मदर सेल ठीक है या फिर आप पोलिन मदर सेल भी बोल सकते हो या फिर आप इनको बोल सकते हो पोलिन मदर सेल ठीक है तो इस तरीके से ये हमारे सामने आती हैं वो सेल्स जो कि कौन सा डिवीजन करती है मियो साइड सेल्स होती हैं और मियोसिस डिवीजन करके क्या बनाएंगी ये मियोसिस डिवीजन करके बनाती है माइक्रोस्पोर जो आगे किसमें डिवेलप हो जाते हैं ये आगे डिवेलप होते हैं पोलिन ग्रीन्स के अंदर <coughs> ठीक है तो जो ये सेल्स होती है हमारी मदर सेल्स ये इन सेल्स कौन क्या बोल सकते हैं मियो साइट सेल्स होती हैं ठीक है थीके, और 2n यानी कि डिप्लॉइड होती हैं नेचर में और ये कौन सा डिवीजन करती हैं मियोसिस डिवीजन करती हैं और मियोसिस डिवीजन करके क्या बनाती हैं फॉर्मेशन करती हैं किसका माइक्रो स्पोर का और ये माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो आगे किसमें डेवलप होते हैं डेवलप इनटू पोलन ग्रेन ठीक है तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो आगे डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसके अंदर पोलन ग्रेन के अंदर ठीक है तो इसीलिए ये जो अच्छा मियोटिक डिवीजन को हम एक और नाम से भी जानते हैं वो कौन सा है रिडक्शन डिवीजन इनको हम किस नाम से जानते हैं रिडक्शन रिडक्शन डिवीजन ठीक है Reduction. Uh, Reduction तो ये है हमारा जो माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो फॉर्मेशन था पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ यानी कि हमने देखा कि किस तरीके से आर्किस्पोरेंजियल सेल्स बनी आर्किस्पोरेंजियल सेल्स डिवाइड होके प्राइमरी पेराइटल और प्राइमरी स्पोरोजीनस बनाती है और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस होते हैं वो आगे स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं और ये टिश्यू आगे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं किसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर ठीक है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो डिवाइड करता है और डिवाइड करके आगे जो माइक्रोस्पोर बनाता है कौन से फिनोमिना से मियोटिक डिवीजन से ठीक है तो इस फिनोमिना को किस नाम से जाना जाता है इस फिनोमिना को बोला जाता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस तो इस शब्द में ही पूरा अर्थ छुपा है देखो माइक्रो का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मतलब माइक्रोस्पोरो का मतलब क्या होता है माइक्रोस्पोर ठीक है और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ठीक है तो इन शॉर्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की फिनोमिना है वो बोर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखते हो कि ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म फोर हैप्लोइड माइक्रोस्पोर बायोटिक डिविजन एंड दिस फिनोमिना इज नॉन एज ए माइक्रोस्पोरोसिस तो हम इसको डिफाइन करते चलो फटोफट तो क्या डेफिनेशन आएगी ईच एमएमसी की माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म फोर हैप्लोइड दैट है वेरी इंपॉर्टेंट फोर बनाते हैं और कैसे बनाते हैं हैप्लोइड यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम उनमें हाफ होता है क्या बनाते हैं माइक्रो स्पोर ठीक है या फिर कभी कभी ऑप्शन में आपको पोलिन ग्रेन लिखा हुआ भी मिल सकता है बाय बायोटिक डिवीजन देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्लियर हो गया तो ये तो होगी हमारे पास एक अप्रोप्रिएट डेफिनेशन किसकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की ठीक है तो अब हम देखें तो इसके अंदर किस तरीके से ये डिवाइड करती है तो सपोज दैन ये हमारे पास सबसे पहले देखते हैं ये है हमारे पास एक टू एन क्या है एम एम सी है ठीक है और एम एम सी जो डिवीज़न करेगी वो कौन सा डिवीज़न होता है वो डिवीज़न होता है मियोसिस डिवीज़न ठीक है जब भी एम एम सी डिवाइड करती है तो वो क्या बनाती है फोर बनाएगी माइक्रो स्पोर्स ठीक है तो अब ये जो चारों के चारों स्पोर्स है वो आपस में क्या होते हैं जुड़े हुए होते हैं अटैच होते हैं एक दूसरे से ठीक है तो ये जो चार के चार माइक्रोस्पोर हैं वो आपस में इस तरीके से एक मान लो पीछे की साइड में है और तीन यागे फ्रंट में दिखते हैं तो आप बोल सकते हो कि जो ये फोर माइक्रोस्पोर होते हैं वो आर टूगेदर ठीक है अब किसकी हेल्प से ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो आपसे क्वेश्चन आता है तो इन सबको जोड़ने के लिए इनके बीच में एक स्पेशल लेयर प्रेजेंट होती है और वो लेयर किसकी होती है वो होती है कैलोज की layer. लेयर कैलोज लेयर ठीक है तो आप बोल सकते हो कि जो चार माइक्रोस्पोर होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं किससे कैलोज लेयर से तो फोर माइक्रोस्पोर्स आर अटैच टूगेदर विद द हेल्प ऑफ विद हेल्प ऑफ कैलोज लेयर ठीक है तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाता है कैलोज लेयर बनता है और इस तरीके से ये चारों माइक्रोस्पोर एक साथ इकट्ठे होते हैं तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेट्राड तो क्या वर्ड यूज किया जाता है टेट्राड वर्ड यूज किया जाता है ठीक है फिर अगर आपको याद है कौन सा टैपेटम एक एंजाइम रिलीज करता था अगर आपको याद है कैलेज एंजाइम तो क्या होगा जो टैपेटम होता है टैपेटम की जो सेल्स होती हैं यानी कि टैपेटम सेल्स होती हैं वो रिलीज करती है कौन सा एंजाइम कैलेज़ एंजाइम ठीक है और ये कैलेज़ एंजाइम आके एक्ट करता है किसके ऊपर एक्ट ऑन कैलोस लेयर और जैसे ही वो कैलोस लेयर को डैमेज कर देगा तो क्या होगा चारों के चारों माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं ये हो गए माइक्रोस्पोर्स फ्री माइक्रोस्पोर आप ऐसे लिख सकते हो ठीक है तो इस तरीके से जो माइक्रोस्पोर है वो अलग अलग हो जाते हैं ठीक है तो अब देखते हैं इसके अंदर आगे कि अभी तक हम लोगों ने जो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की जो फॉर्मेशन थी वो किस तरीके से हुई वो आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट हम देखते हैं अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिकॉल करते हैं ठीक है तो हम लोगों ने वापस से स्टार्ट करते हैं देखो हम लोग किसके अंदर घुस रहे हैं एंथर के अंदर ठीक है और उसके बाद में एंथर की क्या आई थी वॉल्स आई थी बच्चों ठीक है वॉल्स हमें एपिडर्मिस एंडोथीशियम थी फिर मिडल लेयर और टैपिटम थी ठीक है तो हमारे पास कितनी लेयर है चार लेयर है एपिडर्मिस एंडोथीशियम मिडल और टैपिटम ठीक है अब उसके बाद वॉल्स के हटने के बाद कौन आता है वॉल्स हटने के बाद में आते हैं पोलिन सैक क्या आता है पोलिन सैक और पोलिन सैक के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं बच्चों पोलिन सैक में प्रेजेंट होती है एमएमसी ठीक है कौन प्रेजेंट होती है एमएमसी उसके बाद में क्या हुआ एमएमसी ने डिवीजन किया कौन सा मियोसिस डिवीजन करती है और मियोसिस डिवीजन करने के बाद चार क्या बनते हैं चार माइक्रोस्पोर बनते हैं ठीक है थीके? कुछ इस तरीके से जो कि टेट्राड के फॉर्म में होते हैं मतलब एक दूसरे से चिपके हुए और चिपके किस वजह से होते हैं फटाफट बताओ तो आंसर आएगा कैलोज लेयर से तो ये जो लेयर है वो कौन सी लेयर है कैलोज लेयर यानी कि हम अगर लेयर बनाएं तो ये जो आपको ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है वो कौन सी है लेयर ठीक है अब इस लेयर को ब्रेक करना होगा तो टैपेटम से क्या आता है एक एंजाइम आता है और उस एंजाइम का नाम क्या था कैलेज एंजाइम और ये एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है और इससे ये जो लेयर होती है वो क्या हो जाएगी ब्रेक हो जाएगी ये लेयर क्या होती है फिर ब्रेक हो जाती है उसके बाद क्या होता है उसके बाद आप देखोगे कि ये चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर वो क्या हो जाते हैं फ्री हो जाते हैं इस तरीके से हमें ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर क्या एकदम फ्री फॉर्म में देखने को मिलते हैं एक दूसरे से अलग हुए होते हैं और ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं इनको क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोर ठीक है और ये कैसे होते हैं चारों के चारों ही हैप्लोइड होते हैं और ये फ्री स्टेट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं ठीक है तो अब जो ये माइक्रोस्पोर्स होते हैं अब तो उसके बाद इन स्पोर्स के चारों तरफ, अगर आपको याद है सेल जो होती हैं, वो यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है और मैंने पहले भी बताया था कि अब ये जो टैपेटम है मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करती हूँ इस तरीके से जो टैपेटम है टैपेटम की जो सेल्स हैं यानी कि टेपेटम सेल्स की बात करें तो वो क्या बनाती है यूबिस ग्रैन्यूल्स बना रही थी अगर आपको याद हो यूबिस बॉडी बनाती है बॉडीज ठीक है और यूबिस बॉडी के चारों तरफ जो मेनली किससे बना हुआ था यूबिस बॉडी स्पोरोपोलनिन जो कि बहुत ही सॉलिड सब्सटेंस होता है स्पोरोपोलिन ठीक है जिसकी रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है इसको कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन अफेक्ट नहीं कर सकती तो पोलिन ग्रीन को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करते हैं जो ग्रीन के जो फॉसिल्स मिलते हैं और उनके अंदर जो जेनेटिकल मटेरियल स्टोर और रिजर्व रहता है वो किसकी वजह से रहता है वो स्पोरोपोलिन की वजह से रहता है क्योंकि स्पोरोपोलिन की जो रजिस्टेंसी uh, पावर क्या होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है ठीक है तो अब ये जो स्पोरोपोलिन है वो कहाँ से आ रहे, है? आ, जो रहे हैं जो टैपेटम लेयर है तो उसके बाद में जो ये माइक्रोस्पोर है इन माइक्रोस्पोर के चारों तरफ यानी कि एक माइक्रोस्पोर हम लेते हैं ये माइक्रोस्पोर है और इस माइक्रोस्पोर के चारों तरफ हम यहाँ बनाते हैं चारों तरफ ये जो स्पोरोपोलिनिन है यानी कि यूबिस बॉडी जो है वो इस तरीके से उसको कवर कर लेती है ठीक है तो अब जो ये माइक्रोस्पोर का आगे का क्या हो रहा है डेवलपमेंट अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो आगे क्या हो रहे हैं डेवलप हो रहे हैं ठीक है ठीके? तो डेलपमेंट हो रहा होता है ठीक है जब ये डेवलपमेंट होंगे तो माइक्रोस्पोर के ऊपर चारों तरफ कौन सी लेयर आके जुड़ गए स्पोरोपोलिनिन ठीक है स्पोरोपोलिन के आते ही क्या होगा आ, जो यहाँ पे आ, ग्रेन का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया ये जो लेयर वो फिर आगे क्या कहलाती है? आउटर लेयर बनती है आउटर लेयर ऑफ पोलिन ग्रेन तो जो ये माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो आगे डेवलप हो जाते हैं किसके अंदर पोलिन ग्रेन के अंदर ठीक है थीके? तो अगर हम अब देखते हैं पोलिन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलती है तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पोलिन की स्ट्रक्चर देखने पे। तो पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं वो किस तरीके से आती है उससे पहले स्ट्रक्चर से पहले एक चीज थी जो इम्पोर्टेंट थी वो रहता था कि जो ये टेट्राड बनते हैं ना ये किस तरीके से बनती है देन हम स्ट्रक्चर देखेंगे पहले एक एक्स्ट्रा टॉपिक है यहाँ पे हा? एक्स्ट्रा टॉपिक है क्या है कि जो ये बनते हैं पोलिन टेट्राड जिसको बोल सकते हैं तो ये जो टेट्राड बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं यानी कि माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो या तो इस तरीके से एक दूसरे से चिपके हुए आपको मिल सकते हैं या फिर वो इस तरीके से एक दूसरे से चिपके हुए मिल सकते हैं या फिर आप देखोगे इस तरीके से वो चिपके हुए मिल सकते हैं कुछ इस तरीके से और या फिर वो इस तरीके से चारों के चारों स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं या फिर सारे के सारे ही इस तरीके से लीनियर फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं तो ये चार किस तरीके से टेट्राड होते हैं अगर इस तरीके से है तो इस को हम बोलते हैं टेट्रा हेड्रल ठीक है, मोस्टली तो यही प्रेजेंट होता है टेट्राहीडल जिसमें तीन फ्रंट में होते हैं और एक बैक में रहता है ठीक है और ये हमें बेसिकली डाइकोट्स के अंदर देखने को मिलते हैं मेनली तो इसी ये इंपॉर्टेंट है इसके अलावा आइसो भी हो सकता है आइसो का मतलब होता है कि चारों के चारों ही हमें कैसे दिख रहे हैं फ्रंट में दिख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं आइसो बायट्रल ठीक है और ये देखने को मिलते हैं मोनो के अंदर ठीक है और बाकी के जो तीन बच्चे हैं ये ये बेसिकली इतने तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इनके बारे में बस नाम आपको पता होना चाहिए इसके अंदर दो छोटे और एक बड़ा और एक तीन छोटे मतलब तीन छोटे और एक बड़ा आप बोल सकते हो माइक्रोस्पोर देखने को मिलता है तो इसको बोलते हैं डेक्यूसेट ठीक है और इसके अंदर दो लीनियर में होते हैं दो वर्टिकल होते हैं तो इसको हम बोलते हैं टी शेप्ड ठीक है और लास्ट जो हमारे पास टेट्राड बनता है वो कैसा बनता है लीनियर टेट्राड होते हैं तो बेसिकली ये जो है वो क्या है टाइप्स है ऑफ किसके टेट्राड्स के ठीक है तो ये हमें टेट्राड्स जो कि एंजोस्कोप में देखने को मिलते हैं ये चार मेनली टाइप्स है ठीक है तो उसके बाद हम लोग देखते हैं पोलिन ग्रीन की स्ट्रक्चर की बात चल रही थी क्योंकि टेट्राड से अलग होकर माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर आगे किस में डेवलप होते हैं पोलिन ग्रेन के अंदर डेवलप होते हैं ठीक है तो अब जो ये आगे क्या बन रहे हैं पोलिन ग्रेन तो अब हमारे पास आगे जो क्वेश्चन रहता है वो कौन सा रहता है कि पोलिन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होगी ठीक है अब पोलिन ग्रेन की स्ट्रक्चर की बात कर चल रही है हम क्या देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ़ पोलिन ग्रेन ठीक है तो स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है देखो पोलिन ग्रेन की खास बातें क्या क्या होती है पहली चीज पोलिन ग्रेन जो होते हैं वो जनरली मोस्टली बोल सकते हो स्पैरिकल शेप के होते हैं पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद अगर पोलिन ग्रेन के डायमीटर की बात करें ठीक है तो अगर नॉर्मली एवरेज डायमीटर हम देखें पोलिन ग्रेन का जो डायमीटर रहता है वो आता है लगभग ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी माइक्रोमीटर्स ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पोलिन ग्रेन जो है वो सराउंडेड uh, रहते हैं टू डिस्टिंक लेयर, यानी कि जो पोलिन ग्रेन है इनके ऊपर बेसिकली कितनी प्रेजेंट होती है आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर ठीक है सो आउटर लेयर की अगर बात करें तो वो स्पोरोपोलिन बनाता है ठीक है आपको याद थी और आउटर लेयर जो होती है वो काफी थिक होती है रिजिड तो होती है और ऑर्नामेंटेड होती है यानी कि बहुत सुंदर दिखने में दिखने को मिलती है ऑर्नामेंटेड ठीक है और इस लेयर का नाम बोलें तो क्या होगा एग्जाइन लेयर इसको हम क्या बोलते हैं एग्जाइन लेयर और आउटर लेयर का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है स्पोरो पोलिन के थ्रू होता है ठीक है अब वहीं अगर हम इनर लेयर की बात करें तो इनर लेयर जो है वो बेसिकली बना होता है कि ये जो लेयर होती है वो काफी थिन लेयर होती है पहली बात सॉफ्ट लेयर होती है और इलास्टिक होती है नेचर के अंदर ये तीन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इलास्टिक नेचर की होती है ठीक है थिन है सॉफ्ट है और इलास्टिक नेचर की है और इस लेयर को हम किस नाम से जानते हैं इंटाइन लेयर के नाम से जानते हैं इंटाइन लेयर ठीक है और ये जो लेयर है वो किसकी बनी होती है मैडप ऑफ पैक्टीन एंड सेलुलोज ठीक है तो आप इन शॉर्ट आप बोल सकते हो इट इज अडप ऑफ मैडप ऑफ पैक्टो सेलुलोज ठीक है तो अब अगर हम देखें हमारे पास जो डायग्राम में आएगा वो किस तरीके से आएगा तो हम पहले जो लेयर बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं पैक्टोसेलोस की ठीक है तो ये इस तरीके से हमारे सामने क्या है आ, ये है हमारी पतली सी इनर लेयर है ठीक है और उसका नाम क्या था <coughs> इन टाइम ठीक है तो इसके बाद हम बना रहे हैं एग्जाइन लेयर एग्जाइन लेयर मैंने आपको पहले भी बताया था काफ़ी ऐसे ऑर्नामेंटेड होती है सुंदर होती है और काफी थिक भी होती है इस तरीके से ठीक तो कि है क्योंकि ये किसकी बनी होती है काफी रिजिड होती है नेचर में और किसकी बनी होती है ये बनी होती है स्पोरोपोलिन की क्योंकि आपको इनकी जो फॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए किसकी बनी हुई है ठीक है तो अब देखते हैं ये वाली जो लेयर है वो कौन सी लेयर है एग्जाइन लेयर है ठीक है तो एग्जाइन लेयर के जो मेन पॉइंट्स हमारे लिए क्या रहेंगे एग्जाइन लेयर के लिए वही चीज कि आप बोल सकते हो आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द एग्जाइन लेयर तो आपको इसमें क्या क्या लिखना है एग्जाइन लेयर जो होती है वो पहली बात आउटर लेयर है दूसरी चीज काफी थिक है तीसरी चीज रिजिड है नेचर के अंदर ठीक है और ऑर्नामेंटल है ये मैंने अभी पहले भी लिखा था <coughs> दोबारा से हम रिकॉल कर रहे हैं ठीक है इसके अलावा जो एग्जाइन लेयर होती है बच्चों वो किसकी बनी होती है मेडप ऑफ स्पोरोपोलिनिन और अगर आपसे पूछा जाए कि स्पोरोपोलिनिन क्या है तो आप बोलोगे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और पॉलीमर है किसका कैरेटेनोइड का ठीक है तो हम पहले इसी के बारे में थोड़ा सा देखें कि स्पोरोपोलिनिन क्या है तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पोरोपोलिनिन के क्या क्या फीचर्स रहते हैं तो स्पोरोपोलिनिन जो है वो आपको पहले भी मैंने बताया था कि स्पोरोपोलिन जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है स्पोरोपोलिनिन क्या है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ठीक है दूसरी बात स्पोरोपोलिन जो है एक पॉलीमर फॉर्म है किसकी पॉलीमर ऑफ कैरेटेनोइड ठीक है तीसरी चीज स्पोरोपोलिन मैंने आपको बताया था कि हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है तो ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है मैंने पहले भी बताया था ना कि पूछा था कि हाईली रेजिस्टेंट मैटर कौन सा होता है तो हाईली रेजिस्टेंट और कैसा है ठीक है इसके अलावा स्पोरोपोलिन के बारे में और क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं हाईली रेजिस्टेंट है तो मतलब इसके ऊपर टेम्परेचर एसिड एल्केलाई इन सब का किसी का भी असर नहीं होता ठीक है तो इट कैन स्टैंड विद हाई टेम्परेचर स्ट्रोंग एसिड एंड एल्केलीस ठीक है तो इनके ऊपर कोई भी किसी तरीके का एंजाइम क्योंकि हाईली रेजिस्टेंट है नाम से पता चल रहा है हाईली रेजिस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर हम सिर्फ हाईली रेजिस्टेंट की बात करें तो यानी कि इसके ऊपर किस किस के लिए रेजिस्टेंट है टेम्परेचर के लिए और स्ट्रोंग एसिड एंड एल्केलेज के लिए ठीक है इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी यानी कि जो स्पोरोपोलिनिन है अगर हम देखें तो जो स्पोरोपोलिनिन है इसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता सो नो एंजाइम डिग्रेड ठीक है कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता तो अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स ऑफ पोलिन ग्रेन आर ऑलवेज फाउंड इन गुड कंडीशन ये स्टेटमेंट सही है या गलत तो आप बोल सकते हो इट इज स्टेटमेंट इज कंप्लीटली राइट क्या है स्टेटमेंट मैं लिख देती हूँ देखो ड्यू टू presence of sporo, pollenine, fossils of pollen grain are always found in good condition. तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट रहेगा कि स्पोरोपोलिन की वजह से जो फॉसिल होते हैं ग्रीन के वो हमेशा क्या रहते हैं गुड कंडीशन में रहते हैं क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो स्पोरोपोलिनिन है वो हाईली रेजिस्टेंट है तो आप बोल सकते हो कि जो स्पोरोपोलिनिन है जो स्पोरोपोलिनिन होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है इसका मतलब आप बोल सकते हो स्पोरोपोलिन क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायो डिग्रेडेबल सब्सटेंस ठीक है तो इसीलिए जो पोलिन ग्रेन्स होते हैं वो लंबे टाइम तक क्या है? रह सकते हैं प्रिजर्व रहते हैं और अच्छी कंडीशन में रहते हैं ठीक है तो अगर हमें प्रेजेंस जो है फॉसिल ऑफ पोलिन ग्रेन की है जो वो प्रेजेंस दिखाती है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को जैसे कि पेट्रोलियम कोल्स एक्सेट्रा इन ऑन अर्थ ठीक है तो इन फॉसिल्स की वजह से ही हम फॉरकास्ट कर सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि पेट्रोलियम कोस्ट या कॉल्स है इस कहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के अंदर ठीक है ये तो था हमारा सबसे आउटर लेयर अब हम देखते हैं इसकी इनर लेयर ठीक है इनर लेयर अगर हम पोलन ग्रेन की बात करें तो ये है इनर लेयर और इनर लेयर जो है वो किसकी बनी होती है वो बनी होती है एंटाइन यानी सॉरी पहले हम नाम देखें तो इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं इंटाइन ये कौन सी लेयर है लेयर है ठीक है और जो ये इंटाइन होती है अगर इसकी बात करें इंटाइन लेयर इंटाइन लेयर जो होती है वो काफी थिन होती है पहली चीज और दूसरी ये बहुत ही सॉफ्ट होती है ठीक है और नेचर कैसा होता है इसका इलास्टिक नेचर होता है ठीक है और ये अगर हम देखें तो इसको किसकी बनी होती है तो मैडप ऑफ पैक्टिन प्लस सेल्यूलोस ठीक है तो आप बोल सकते हो इट इज अडप ऑफ पैक्टो सेल्यूलोस ठीक है तो ये किसकी बनी होती है पैक्टो सेलुलोज की बनी होती है ठीक है थीके? तो अब क्या है कि जो एग्जाइन लेयर है वो ऐसे कुछ पोर्शन होते हैं ठीक है थीके? तो अगर हम देखें एग्जाइन लेयर इग्जाइन लेयर एग्जाइन जो होती है वो कुछ पोर्स पे क्या होती है एबसेंट होती है ठीक है अगर हम देखें तो वो कुछ ऐसी जगह होती है यानी कि एग्जाइन लेयर कुछ जगह पे एबसेंट होती है और कुछ जगह पे प्रेजेंट होती है ठीक है तो अगर हम देखें यहाँ पे एबसेंट है तो हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा ये तीन पोर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे हमें एग्जाइन लेयर क्या देखने को मिल रही है एबसेंट ठीक है तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इस तरीके से एप्सेंस होने की वजह से ऐसे छोटे छोटे क्या मिल रहे हैं होल लाइक स्ट्रक्चर मिल रही है और इनको हम क्या बोलते हैं इनको बोला जाता है जंपोर ठीक है इनको हम क्या बोलते हैं जम पोर जम पोर्स ठीक है जम पोर्स मतलब वो जगह जहां पर एब्सेंस होती है किसकी ऑफ एग्जाइन लेयर ठीक है तो ये जो जम पोर है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो पोलिन ग्रेन है वो जब जर्मिनेट करता है तो इन पोलिन जम पोर से ही पोलिन जो ट्यूब होती है ना वो पोलिन ट्यूब जो होती है वो इन्हीं जम पोर से क्या होती है बाहर आती है यानी कि ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ पोलिन ग्रेन इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब ठीक है सो ये जो पोलिन ग्रेन होते हैं वो पोलिन ट्यूब के फॉर्म में इन जम पोर से ही क्या आते हैं बाहर आते हैं ठीक है थीके, तो इंटाइन जो होती है वो बेसिकली किस फॉर्म में बाहर निकलती है अगर हम डायग्राम से देखें तो ये जो इंटाइन का फॉर्म है वो इस तरीके से बाहर निकलता है इस तरीके से और कहाँ से निकल रहा है वो निकल रहा है जम्पोर से और इसको हम किस नाम से जानते हैं पोलेंट ट्यूब के नाम से जानते हैं ठीक है जब एक आ, पोलिन ग्रीन का जर्मिनेशन का पीरियड चल रहा होता है ठीक है तो इस तरीके से हमारे सामने क्लियर होता है ये पोर्शन कि आपको देखने को मिल रहा है कि जो स्ट्रक्चर है पोलिन ग्रीन की वो किस तरीके से आपके सामने आती है ठीक है अब हम इसका और डायग्राम देखें तो किस तरीके से हमें पोलिन ग्रीन अगर एनसीआरटी की बात करें तो उन्होंने जो डायग्राम दे रखा है वो कुछ इस तरीके से है तो इस तरीके से चारों के चारों क्या गए माइक्रोस्पोर ये एनसीआरटी का डायग्राम है जिसके अंदर आपके स्ट्रक्चर दिखा रखी है माइक्रोस्पोर या फिर पोलिन ग्रीन की हम बोल सकते हैं ये तो क्या हो गए माइक्रो स्पोर ठीक है और माइक्रोस्पोर के बाहर ये वाली जो लेयर है वो कौन सी होगी एग्जाइन लेयर देन यहां से क्या बनना स्टार्ट हो गया ये है पोलिन ग्रेन ठीक है तो ये जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ रही है वो किसकी आ रही है पोलेन ग्रेन की आ रही है क्लियर तो यहाँ पे फिर एक लेयर जो है वो अंदर कौन सी बनने लग जाती है वो अभी अभी हमने देखी थी कौन सी थी इंटाइन लेयर ठीक है और अंदर की साइड में एक न्यूक्लियस आपको दिख रहा है और दो बड़े बड़े वैक्यूल्स दिख रहे हैं ठीक है इस न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फॉर्म होता है कैरियो होती है जो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी ठीक है जब कैरियोकाइनेसिस होता है तो मतलब न्यूक्लियस में डिवीजन, डिवीजन इन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में डिवीजन होने के बाद फिर कौन सी फिनोमिना होती है साइटोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन इन साइटो प्लाजम ठीक है तो जब साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है वो कैसा होता है यहाँ जो डिवीजन चल रहा है वो अन एकवल डिवीजन होता है तो जिससे आपको क्लियरली दिखेगी एक सेल तो आप देखोगे ये इस तरीके से बड़ी बन रही है ठीक है और एक सेल बहुत ही छोटी आपके सामने अपीयर हो रही है ठीक है तो जो ये बड़ी सेल है इसको हम किस नाम से जानते हैं वेजिटेटिव ये जो बड़ी सेल है इसको हम क्या बोलते हैं वेजिटेटिव और जो ये छोटी सेल बन रही है इसको हम क्या बोलते हैं जर्मिनेटिव सेल ठीक है तो इस तरीके से आपको पोलिन का डायग्राम दिखाया हुआ है जो हम अभी देखेंगे हमने तो अभी सिर्फ दो ही फॉर्म देखे थे सिर्फ लेयर्स कंसिडर किए हैं अभी अंदर का फॉर्म सारा का सारा बाकी है ठीक है तो अब अंदर अगर हम देखें क्या चीजें हमें देखने को मिलती है तो अंदर की साइड में हमें एक तो न्यूक्लियस देखने को मिलता है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है और बड़े बड़े यू मान लो वैक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं तो ये है हमारे पास वैक्यूल ठीक है और ये है न्यूक्लियस ये हमें क्या देखने को मिल रहा है माइक्रोस्पोर ठीक तो अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा उसके जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो जो आप यूँ समझो कि यहाँ पे हम ये सारे फिनोमिना कंप्लीट करते हैं तो ये मान लो हमारा जो एग्ज़ाइन लेयर है उसके अंदर की है कंडीशन ये है न्यूक्लियस तो पहले तो क्या होगा इस न्यूक्लियस में डिवीज़न होता है ठीक है अब न्यूक्लियस जब डिवाइड करेगा तो हमें कंडीशन जो देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरीके से एक न्यूक्लियस इधर और एक न्यूक्लियस इधर और इस तरीके से न्यूक्लियस में जो डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस ठीक है उसके जस्ट बाद की ही क्या होता है साइटोकाइनेसिस होगा साइटोकाइनेसिस काइनेसिस और जब साइटोकाइनेसिस होगा तो डिवीजन जो होगा वो अन होगा कैसे ये तो बड़ी सेल है और एक ये बन रही है छोटी सेल ये उसका न्यूक्लियस है ये इसका न्यूक्लियस है तो यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है वो अन हो रहा है तो जिससे हमें एक सेल तो बड़ी और एक सेल हमें छोटी देखने को मिलती है और इसके ऊपर इनके चारों तरफ हमें कौन सी लेयर देखने को मिल रही है ये होगी एग्जाइन लेयर ठीक है और इस तरीके से हमें क्या देखने को मिल रहे हैं होगी इंटाइन लेयर ठीक है तो इस तरीके से एक अप्रोप्रिएट किसका डायग्राम आता है पोलिन ग्रीन का डायग्राम हमारे सामने क्लियर होता है ठीक है तो यही डायग्राम जो है वो आपके एनसीआरटी ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अच्छे से तो अगर हम देखें यहाँ पे जो डायग्राम हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा तो आप देखो जैसे कि आप मान के चलते हैं ये क्या है इंटाइन लेयर ठीक है और ये होगी कौन सी एक्साइन लेयर ठीक है तो इस तरीके से हमारे सामने तीन दोनों लेयर अपीयर हो रही है ठीक है और इनके बीच में ये वो रीजन है जहां पे क्या नहीं थे पोर प्रेजेंट नहीं थे जम गए ठीक है तो इस तरीके से हमारे सामने आगे ये तीन स्ट्रक्चर तो ये तो रीजन है एक्साइन का ये हो गया जम्पोर ठीक है और ये जो लेयर होगी वो कौन सी होगी इन टाइम ठीक है उसके बाद हमारे पास दो सेल्स यहाँ पे देखने को मिलती है एक सेल तो कुछ इस तरीके से है जिसके अंदर ये उसका न्यूक्लियस होगा ठीक है ये न्यूक्लियस है और एक बड़ा सा यहाँ पे मैंने बना दिया वैक्यूल ठीक और एक ये वाली न्यूक्लियर सेल है एक छोटी सेल है इस तरीके से देखोगे तो ये एक छोटी सी सेल आपको देखने को मिल रही है तो ये न्यूक्लियस ये इसका वैक्यूल तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर जो आपकी किसको किसके देखने में आ रही है पोलिन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है तो पोलिन जो ये बड़ी सेल बन रही है इसको तो हम किस नाम से जानते हैं इसको बोला जाता है वेजिटेटिव सेल क्या बोला जाता है वेजिटेटिव ठीक है और जो ये बड़, छोटी सेल बन रही है यानी कि वेजिटेटिव सेल जो होती है वो साइज वाइज क्या होती है लार्ज होती है ठीक है तो दिख भी रहा है कि ये बड़ी बनती है जबकि हमारे सामने जो ये सेल दिख रही है जो छोटे वाली है इसको हम किस नाम से जानते हैं जनरेटिव सेल ठीक है क्योंकि या फिर आप इसको रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलेंगे तो भी गलत नहीं जाएगा आंसर आपका जनरेटिव सेल ठीक है तो ये वाली सेल छोटी है और वेजिटेटिव सेल क्या होती है लार्ज होती है तो ये तो है लार्ज सेल और ये होती है स्मॉलर सेल ठीक है तो यहाँ पे जो ये लार्जर सेल होती है अगर इसका काम देखें तो लार्जर सेल जो होती है वो आगे आ, क्या बनाती है ये आगे पोलिन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करती है ठीक है तो ये आगे किसका फॉर्मेशन करती है जर्मिनेशन के टाइम पे फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब ठीक है और जबकि स्मॉलर सेल होती है वो माइटोसिस परफॉर्म करेगी ठीक है और क्या बनाएगी फॉर्मेशन करेगी किसका फॉर्मेशन ऑफ टू मेल गैमेट तो इन शॉर्ट जो पोलिन ग्रेन है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो मेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे ये रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि हम हम लिख सकते हैं कि जो पोलिन ग्रेन होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेट्स को कितने मेल गैमेट्स बनते हैं दो मेल गैमेट्स होते हैं उनको पोलेंड क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो अब देखिए कि जो जम पोर्स थे ठीक है और पोलेंट ट्यूब बाहर किससे आती है इन जम पोर्स से आती है तो ये जो जम पोर होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है नंबर क्या होता है चेंज हो रहता है यानी कि जमपोर का जो नंबर उनकी स्ट्रक्चर ठीक है और और उनका ऑर्नामेंटेशन जो होता है वो किस पे होता है एग्जाइन पे होता है और जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर होता है टेक्सोनोमी का तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो आपका पूछा गया था मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों की नंबर ऑफ जमपोर एंड उनकी स्ट्रक्चर और और उनका एंड ओरनामेंटेशन ऑफ एग्जाइन इज ए सिग्निफिकेंट फीचर है किसका इसका का क्लासिफिकेशन में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दूसरी चीज जब भी हम पोलिन ग्रीन की स्टडी करते हैं यानी कि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टडी ऑफ पोलिन ग्रीन तो कौन सी ब्रांच होती है बायो की वो होती है पोलिनोलॉजी ठीक है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोलिनोलॉजी कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम पोलिन ग्रीन की क्या करते हैं स्टडी करते हैं ठीक है अब क्या है मोस्टली अगर हम बात करें मोस्टली जो जंपोर के जो नंबर होता है ना बच्चों वो तीन ही होता है बेसिकली डाई में तो स्पेसिफिक तीन ही होता है ठीक है और अगर हम बात करें मोनोकोड्स के अंदर तो जंपोर का जो नंबर है वो एक माना जाता है तो मोस्टली नंबर ऑफ जंपोर अगर आपसे पूछा जाए तो कितने होते हैं थ्री मेनली इन डाइकोट्स ठीक है इसीलिए इसको हम ट्राइको ट्राइलो, ट्राइलो पेट बोला जाता है और अगर हम नंबर ऑफ जंप पोर की बात कर रहे हैं किसके अंदर मोनोकोट में तो वो एक ही होता है इन मोनोकोट्स तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है पेट ठीक है तो आपको ये चीज़ें एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होते हैं जो कि एन में स्टेटमेंट वाइज कभी कभी पूछ लिए जाते हैं ठीक है अब जो होता है प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर पोलिनेशन की प्रोसेस होती है जिनके अंदर पोलिन ग्रेन क्या होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं क्योंकि हम पोलिन के बारे में ही बात कर रहे हैं तो जो पोलिन ग्रेन होते हैं ना उनका जो सरफेस होता है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है पोलिन सरफेस पे प्रेजेंट होती है पोलिन किट आपको पहले भी बताई थी और इस किट के बारे में अगर बात करें तो इस किट का फॉर्मेशन अगर पूछा जाए किट का फॉर्मेशन कौन करता है टेपेटम के थ्रू किया जाता है और इस किट के फंक्शन देखें हम लोग तो हम लोग पहले भी फंक्शन देख चुके हैं देखो बेसिकली तो येलो कलर जो होता है पोलिन है टेपेटम के थ्रू दूसरा ये यूवी रेस से क्या करती है प्रोटेक्ट करती है ठीक है और तीसरा जो ऑयली सरफेस है ताकि इंसेक्ट से वो चिपक सके तो ये सारे के सारे काम किसके कौन करता है पोलिन किट करती है ठीक है तो ये जो है मेन क्वेश्चन बनते हैं और एक क्वेश्चन आता है कि जो ये पोलिन किट है ये किसकी बनी होती है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये कंपोज ऑफ लिपिड एंड कैरेटनोइट्स यानी कि ये कंपोज ऑफ लिपिड एंड कैरेटेनोइ्स की बनी होती है ठीक है पोलिन गेट ठीक है और अगर हम पोलिन ग्रेन्स का डायग्राम देखें वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं जैसे कि तो ये आपको देखो अगर आप किसी भी प्लांट को टच करते हो टच करने के बाद आपके हाथ पे येलो यालू, येलोइश या ग्रीन कलर का जो पाउडर आ जाता है तो वो बेसिकली क्या होता है वो पोलिन ग्रेन्स होते हैं ठीक है और पोलिन ग्रेन अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर के हो सकते हैं देखो आप देखो कि यहाँ पे डिफरेंट शेप आपको देखने को मिल रही है पोलिन ग्रेन की डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है लेकिन आप अगर ध्यान से किसी भी पोलिन ग्रेन को देखोगे तो वहाँ पे इसके अंदर आउटर लेयर आपको अच्छे से देखने को मिलती है जो कि ऐसे काफ़ी ऐसे पॉइंटेड होती है जो ये आउटर लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं एग्जाइन लेयर बोला जाता है कौन सी लेयर बोलते हैं एग्जाइन लेयर तो जो ये पॉइंटेड जो है वो क्या रहती है ये जो स्ट्रक्चर रहती है वो क्या रहते हैं एग्जाइन लेयर रहते है तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं पोलिन ग्रीन अंडर द माइक्रोस्कोप स्कोप ठीक है तो ये सारी स्ट्रक्चर हम लोगों ने किसके बारे में देखी पोलिन ग्रीन की स्ट्रक्चर भी देखी उनका डेवलपमेंट भी देखा देखा सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने क्लियर की है तो अब अगर हम देखें कि हमारे सामने जो फॉर्म बनती है वो किस तरीके से आई है अभी तक देखें तो हम लोगों ने कौन कौन सा रास्ता तय किया है हम लोग गए किसके अंदर सबसे पहले बच्चों फ्लॉर मेंट्री की फ्लॉवर से हम लोग गए स्टेमन में स्टेमन से हम लोग गए बच्चों एंथर में एंथर से हम लोग गए एमएमसी में एमएमसी से हम आए किसके अंदर माइक्रो और माइक्रोस्पोर आगे क्या बनाते हैं पोलिन ग्रीन ठीक है और पोलिन ग्रीन के अंदर हमें दो तरह की सेल्स देखती है टू टाइप ऑफ तो सेल्स हमें देखने को मिल रही थी कौन कौन सी एक तो थी लार्ज सेल ठीक है और एक थी स्मॉलर सेल ठीक है और जो लार्ज सेल्स थी उसको हम वेजिटेटिव सेल बोल रहे थे और जो स्मॉल थी उसको हम जर्मी सेल बोल रहे थे ठीक है और ये वेजिटेटिव सेल्स तो क्या करती है पोलिन ट्यूब बनाती है और ये माइटोसिस करके दो मेल गैमेट बनाती है ठीक है तो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इतनी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक देखी है जिसके अंदर सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियरली समझी है क्योंकि जो पोलिन ग्रीन का हम डायग्राम बनाते हैं तो ये मान लो आउटर लेयर है और ये इनर और एक बड़ी और एक लार्ज सेल तो ये जो डायग्राम आता है हमारा किसका आता है पोलिन ग्रीन का तो इसके अंदर एक लार्ज सेल है और ये एक कौन सी सेल है स्मॉलर सेल हमें देखने को मिलती है और दो हमारे पास लेयर रहती है एक्साइन और एंटाइन और इसके चारों तरफ हमारे पास इस तरीके से येलो कलर का सरफेस भी प्रेजेंट होता है और जो ये येलो कलर का सरफेस रहता है इसको हम किस नाम से जानते हैं इसको हम बोलते हैं पोलिन किट इनको हम बोलते हैं पोलिन किट तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ ली हैं। उसके बाद आता है जब सारी मदर सेल्स आप ध्यान से समझना यहाँ पे कि सारी की सारी मदर सेल्स हैं यानी कि ओल्ड मदर सेल ठीक है अब वो उन्होंने क्या कर दिया म्यूसिस परफॉर्म कर दी कौन से डिवीजन करते हैं मियोसिस मियोसिस कंप्लीट होने के बाद में बहुत सारे क्या बनेंगे माइक्रोस्पोर और बहुत सारे क्या बनते हैं पोलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा अब ये सारी चीजें किसके अंदर हो चुकी है एक एंथर के अंदर प्रेजेंट पोलिन सैक के अंदर हो चुकी है बेसिकली हम एंथर के अंदर जाते हैं ना तो एंथर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है पोलिन सेक आता है बीच में ठीक है और सैक जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है एम प्रेजेंट होती है तो वो एक राइट सीक्वेंस आपके सामने आएगी तो जब सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी होती है यानी कि सारी की सारी मदर सेल्स डिवाइड कर चुकी होती है तो नेक्स्ट प्रोसेस आती है और वो होता है डेही सेंस उसको हम क्या बोलते हैं डेही सेंस ऑफ एंथर ठीक है यानी कि क्या होता है हम लिखते हैं पहले डेही स ऑफ एंथर अब ये कौन से फिनोमिना है अगर इसके बारे में बात करें तो क्या क्या होता है ड्यूरिंग द मैचुरेशन ऑफ एंथर ठीक है बहुत सारे चेंजेस आते हैं किसके अंदर एंथर की वॉल में ठीक है तो देखो बिगनिंग की बात करें तो स्टार्टिंग के अंदर तो आप सिंप्लीफाई आपको आ, आप पहले लिख देते हैं हम लोग क्या आता है वेरियस चेंजेस आते हैं किसके अंदर टेक्स प्लेस इन दी anther ठीक है तो अब क्या क्या चेंजेस आते हैं देखो स्टार्टिंग की बात करें बिगनिंग के अंदर तो मिडल लेयर भी प्रेजेंट होती है ठीक और टैपेटम में प्रेजेंट होती है लेकिन जैसे जैसे मैचुरेशन आता जाता है एंथर के अंदर यानी कि जो मैचुरेशन फेज है इस मैचुरेशन फेज के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं इसमें जो मिडल लेयर होती है ठीक है अगर हम बात करें लेयर की मिडल लेयर एंड जो रहती है टैपिटम ठीक है ये जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है डिजनरेट हो जाती है डी हो जाती है ये टूट जाती हैं और इनके खत्म होते ही क्या होता है मेच्योर एंथर के अंदर अब कौन सी लेयर बची अगर हम मेच्योर एंथर की बात कर रहे हैं तो मेच्योर एंथर में इन मेच्योर एंथर ठीक है तो अब टोटल कितनी लेयर थी एंथर की वॉल में चार लेयर थी लेकिन अब मेच्योर एंथर वॉल में वॉल के अंदर टोटल दो लेयर ही बच गई कौन कौन सी एक तो बची है एपिडर्मिस लेयर है ठीक है और दूसरी लेयर कौन सी बची है यहाँ पे एंडोथीशियम एंडो थीशियम ये दो लेयर बची है ठीक है तो ये तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है कवरिंग लेयर होती है तो धीरे धीरे ये भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद हमारे पास बचती है सिर्फ एंडोथीशियम लेयर अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी बताया था कि जो एंडोथीशियम लेयर होती है वहाँ पे क्या होते हैं कि कुछ स्टोमियम सेल्स प्रेजेंट होती है यानी कि आ, जो पॉलिन सेक्स होते हैं यानी कि अगर हम ये और जो ये स्टोमियम सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं वो डेहीसेंस uh, का जो मेन रोल है वो उसी के थ्रू किया जाता है यानी कि जो स्टोमियम सेल्स होती हैं वो जितने भी इन्वायरमेंट से जो एब्जॉर्प्शन uh, करती है मॉइस्चर का और देन स्वेल होती है और स्वेल के वो क्या हो जाती है ब्रस्ट हो जाती है सो यहाँ पर डेहीसेंस में बेसिकली कौन सा जो लेयर है वो रोल प्ले करती है तो एंडोथीशियम लेयर जो होती है वो डेहीसेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अलावा अगर हम देखें तो दो पोलिन सेक के बीच में अगर हम एंथर का डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरीके से तो आपको याद आएगा हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया ठीक है इस तरीके से और यहाँ पे पोलेंसेक है यहाँ पोलेंसेक यहाँ पोलेंसेक और यहाँ पे पोलेंसेक है अब इन पोलन सेक के बीच के अंदर कुछ ऐसे डिजेनरेटिव टिश्यूज होते हैं इनके बीच में जो ये टिश्यूज़ होते हैं इनको हम क्या मान के चलते हैं ये टिश्यू होते स्टेराइल टिश्यू होते हैं स्टेराइल टिश्यूज होते हैं ठीक है अब ये जो टिश्यू होते हैं वो क्या कहते हैं ये दोनों पोलेंसी के बीच में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या कहते हैं आ, ये इन टिश्यू के थ्रू जितनी जो जि दोनों के दोनों जो एंथर लोब्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं डिजनरेट होते हैं ठीक है सो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो दोनों से अब ये जो स्टेराइल टिश्यू है वो क्या करेंगे इस लेयर को भी हटा देंगे और इस लेयर को भी हटा देंगे इधर इस लेयर को हटा दिया और इस लेयर को हटा दिया तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है जो एंथर लोब होता है एंथर लोब क्या हो जाते हैं इनसे डिजनरेट हो जाता है ठीक है तो अगर आप देखोगे यानी कि यंग स्टीज के अंदर अगर हम देखें यंग स्टेज के अंदर तो आपको पोलन से कितने देखने को मिलते हैं चार देखने को मिलते हैं ठीक है यंग स्टेज में तो पोलन सेक का नंबर अगर हम देखें तो कितने होंगे चार पोलन सेक होते हैं एक दो तीन और ये हो गया चार ठीक लेकिन जैसे ही एंथर क्या होता है मैच्योर होता है ठीक है एंथर के मैचुरेशन के साथ साथ ही जो हमें क्या देखने को मिलेगा पोलें सेक का नंबर जो है यानि पोलेंस का नंबर कितना रह जाता है दो रह जाता है ठीक है क्योंकि यहाँ पे दोनों लोब जो होते हैं वो एक दूसरे में फ्यूज होके एक बड़ा सा सिंगल सैक का फॉर्मेशन करते हैं डायग्राम में देखें तो ने इसका डायग्राम दे रखा है जो कि इस तरीके से है तो ये जो डायग्राम है वो आपके एनसीआर के अंदर दिखा रखा है जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो स्टेज है वो मेच्योर एंथर की है और मेच्योर एंथर में अगर आप देखते हो तो क्या होता है कि ये जो आप यहाँ देख रहे हो वॉलेंस से एक अलग था यहाँ पे अलग था यहाँ पे अलग था और यहाँ पे अलग था लेकिन मैच्येशन के टाइम पे बीच का जो स्टेराइल टिश्यू है वो क्या हो गया डिजनरेट कर दिया उन्होंने और अब अगर आप देखोगे तो एक बड़ा सा क्या बन रहा है एक सिंगल लॉब बन रहा है पोलन से का और इधर देखोगे तो यहाँ पे भी एक सिंगल लॉब मिल रहा है तो यहाँ पे देखोगे एक पोलन से इधर है और एक पोलन से इधर है तो ये नीट का क्वेश्चन था ये नीट का क्वेश्चन था कि मेच्योर एंथर के अंदर नंबर ऑफ पॉलन सेक कितने होते हैं तो आंसर जाएगा टू मोस्टली बच्चे इसका आंसर क्या करते हैं फोर करते हैं जो कि गलत रहेगा ठीक है तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझना कि सिर्फ मेच्योर एंथर में दो ही पॉलन सेक रहते हैं ठीक है तो अब जब डेही सेंस होता है तो उस सीज़न में क्या होता है कि आ, वाटर लॉस होता है आ, इन से, एंडोथीशियम सेल्स के अंदर जिससे कि इन सेल्स के ऊपर प्रेशर जनरेट होगा और ये क्या हो जाती है ब्रस्ट हो जाएगी और जैसे ही ब्रस्ट होती हैं तो आ, जितने भी पोलिन ग्रेन्स हैं वो क्या होते हैं इस तरीके से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं जो कि बाहर की साइड मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं तो अब ये जो डेहीसेंस की फिनोमिना है जिसके अंदर क्या होता है अगर हम बात करें यहां पे तो जो डेहीसेंस है डेहीसेंस डेहीसेंस ऑफ एंथर टेक्स प्लेस पहली बात तो कब होता है ड्यूरिंग द्राई सीजन ठीक है ड्राई सीजन के अंदर होता है ठीक है ड्राई सीजन में होता है दूसरी चीज जब लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस फ्रॉम द सेल्स ऑफ एंडोथीशियम इन ड्राई सीजन यानी कि ड्राई सीजन के अंदर जो ये यहाँ पे एंडोथीशियम लेयर होती है ना एंडोथीशियम सेल्स वहाँ से जो पानी है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा देन क्या होगा जैसे ही पानी की कमी आएगी तो एक प्रेशर जनरेट होगा एंडो एपिडर्मिस पे और वो क्या हो जाएगी रपचड़ हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से पोलिनग्रीनस क्या होते हैं बाहर की तरफ पोल आउट हो जाते हैं बाहर निकल जाते हैं और ये जो फिनोमिना होती है इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं डहीजेंस बोला जाता है ठीक है तो डेसिंस की जो फिनोमिना है वो इस तरीके से हमें देखने को मिलती है अब ये तो थे हमारे पास मेन स्ट्रक्चर देखी हम लोगों ने एंथर की पोलिन सेक देखा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स देखी पोलिन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखी इसके साथ हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि जो कि पोलिन ग्रेन के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं इनकी जो पोलिन ग्रेन है वो उन वो मेन गैमेट को तो रिप्रेजेंट करते ही करते हैं इसके साथ उनका कई और जगह भी अपना अपना रोल रहता है सो so, ये सारी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट क्लास के लिए हम डिस्कशन करेंगे आज आपको जो चीजें बताई गई है उनको एनसीआर में जरूर रिकॉल करना अपने अकॉर्डिंग नोट्स भी प्रिपेयर करना ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो सके आज हम आप लोगों को पता ही है क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखी थी एक प्रॉपर स्टडी करें तो हमारे सामने कुछ चीज़ें जो आती हैं वो एक इमेजिनेशन के फॉर्म में चलती हैं जिनके अंदर आप बोल सकते हो कि हम लोग कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं तो ये मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आप इमेजिनेशन में रखो कि हम लोग कहाँ थे और किधर मूव कर रहे हैं ठीक है तो हम लोगों की जो एंट्री होती है वो बेसिकली फ्लावर फ्लॉवर से स्टेमन स्टेमन से एंथर एंथर से पोलेंसिक से पोलन से हम किस में गए एमएमसी में और एमएमसी से हम लोग किस में जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल से फिर हम कहाँ मूव करते हैं पोलिन ग्रेन में और पोलिन ग्रेन जब बन जाते हैं तो फिर एंथर क्या हो जाता है रपचड़ हो जाता है और इस रपचड़ होकर और उसे जितने भी पोलिन ग्रेन्स है वो बाहर निकल जाते हैं और इस फिनोमिना को डही सेंस बोला जाता है सो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो ये पोलिन ग्रेनस होते हैं वो अपना किस तरीके से अलग अलग रोल प्ले करते हैं इनके थ्रू सारी चीज़ें अच्छी ही नहीं होती कुछ चीज़ें खराब भी होती हैं बहुत बड़ा ये एलर्जी का रीज़न बनते हैं तो ये सारी चीज़ें सारे पॉइंट जो हैं वो लो वो सारे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आ, कुछ फैक्ट्स के साथ मिलते हैं ग्रीन के लिए तब तक के लिए स्टे हेपी कीप स्टडिंग थैंक यू